ये वीडियो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सीरीज की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम एबेकस पढ़ेंगे। आज जब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री को देखते हैं, यानी कि तारीख में पीछे नजर दौड़ाते हैं, तो हम बेसिकली उन मशीनों को देख रहे हैं जिनसे गुजरते हुए, जिनमें तरक्की होते हुए हम आज के कंप्यूटर तक पहुंचे। जाहिर सी बात है, जैसा कंप्यूटर आज हमारे सामने है हमेशा से वैसा नहीं था, तरक्की होती रही है। जैसा कि हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि कंप्यूटर का बेसिकली मतलब ये है कैलकुलेट कर, और यही हिस्टोरिकली ट्रू भी है कि इंसानों को बेसिकली कैलकुलेटर चाहिए था जो कि उन्हें कैलकुलेशंस में मदद कर सके और हिसाब किताब में मदद कर सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें तरक्की होती गई और हम कंप्यूटर तक पहुंच गए। तो जब हम इस सोच के साथ हिस्ट्री पे नजर दौड़ाते हैं तो हमें सबसे पहली मशीन जो इंसानों ने बनाई कभी भी, वो हमें मिलती है एबेकस। उसको हम एबेकस कहते हैं। अब एबेकस क्या है और ये कब बनी है? एबेकस जो है वो आज से तकरीबन 5000 साल पहले, हमें इसके रेमिनेंस मिलते हैं कि भाई 5000 साल पहले इंसानों के पास ऐसी मशीन थी जिसके जरिए वो कैलकुलेशंस किया करते थे। बेसिकली कैलकुलेशंस नहीं बल्कि काउंटिंग किया करते थे। याद रहे कि ये 5000 साल पहले का जमाना, ये वो जमाना है जब हमारे पास ना तो पेपर है ना ही हमारे पास न्यूमेरल्स है, यानी कि जैसे आजकल हमने काउंटिंग के न्यूमेरल्स बनाए हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये नंबर्स है ना, ये नंबर्स भी नहीं थे। हमारे पास प्रॉपर लैंग्वेज और प्रॉपर नंबर्स नहीं थे। जब नंबर्स नहीं है तो हम कैलकुलेशंस भी नहीं कर सकते। तो उस जमाने में हमारे पास ये इस तरह की मशीन मौजूद थी, जो कि मशीन नहीं बेसिकली टूल कह लें आप इसे, कि लकड़ी का फ्रेम होता है इसमें और रॉड। अब पहले लकड़ी का फ्रेम ना होता हो, किसी और चीज का होता हो। आजकल हमारे पास ये मेटल की रॉड होती है, पहले किसी और चीज की होती होगी, ठीक है ना। तो ये मेटल की रॉड है हमारे पास और इसमें हमने बीड्स डाले, ये गोल गोल बॉल्स हैं जो जिनको हम स्लाइड कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये गोल गोल बॉल्स जो है वो स्लाइड होती है। अब एक बॉल को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मतलब एक बॉल को मैं 1 भी गिन सकता हूँ, 2 भी गिन सकता हूँ, 3 भी गिन सकता हूँ। तो मैंने 2 इस तरफ कर दी तो मतलब 4 हो गए, अगर 2 सेलेक्ट किया है मैंने तो। ये कैलकुलेशंस के लिए नहीं बल्कि काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। ट्रेडर्स जो है वो अपना रिकॉर्ड रखने के लिए इसको इस तरफ खिसका लिया करते थे। तो मेन पॉइंट्स क्या हुए एबेकस के बारे में, कि ये 5000 साल पहले हमें चाइना में, यूजुअली चाइना में इसका मिलता है हमें ज्यादा, लेकिन और रीजन्स में भी हमें ये इस्तेमाल होती हुई नजर आती है। चाइना में हमें मिलती है ये, और वुडन फ्रेम है इसका और इसमें बीड्स हैं, ये दो बॉल्स को बीड्स कहते हैं, और ये रॉड्स हैं जिसके जरिए काउंटिंग की जाती थी। तो ये पहली मशीन है जो कि पहला टूल है जो हमें नजर आता है जब हम आज तारीख में नजर दौड़ाते हैं कि इंसानों ने ऐसी मशीन बनाई हो जो उन्हें कैलकुलेशंस में मदद कर रही हो, तो वो है एबेकस। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सीरीज में जब डिवाइसेस हमने स्टार्ट किए तो उसकी पहली वीडियो है ये एबेकस हो गई। अगली में हम नेपियर बोन्स पढ़ेंगे।